नमस्कार। भारत एक बड़ा ही खूबसूरत देश है, काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम किस नज़रिए से अपने इलाकों को, अपनी खूबसूरत जगहों को देखते हैं? क्या कुछ ऐसे नहीं जैसे हम आगरा को सिर्फ और सिर्फ ताजमहल के नज़रिए से देखते हैं, दिल्ली को लाल किले, कुतुब मीनार, संसद भवन या राष्ट्रपति भवन के नज़रिए से ही देखते हैं, हैदराबाद को चार मीनार के नज़रिए से देखते हैं, या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क को सिर्फ और सिर्फ बाघ यानी टाइगर के नज़रिए से देखते हैं? वैसा ही कुछ नैनीताल के साथ भी है। नैनीताल को भी हम झील के ही नज़रिए से देखते हैं, नैनी झील की नज़र से ही देखते हैं, जबकि इस शहर में देखने को काफ़ी कुछ है इस झील के चारों तरफ बिखरा हुआ। यहाँ का वन्य जीवन है, यहाँ के पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा एंड फौना, और अगर आप इस सब पर नज़र डालेंगे तो ये पता चलेगा कि ये काफ़ी समृद्ध रहा है यहाँ पर, और अब भी काफ़ी कुछ बचा है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने काफ़ी कुछ खो भी दिया है। तो आज अपने इस कार्यक्रम में इसी पर हम करेंगे खास बात। नैना देवी के प्राचीन मंदिर और एक दिलकश ताल से मशहूर इस पर्वतीय शहर जैसी खूबसूरती दुनिया के गिने चुने शहरों की ही होगी। वैसे तो इस इलाके के आसपास बसावट सदियों से रही, लेकिन बाहर के लोगों को इसकी शुरुआती जानकारी 1820 में मिली। जब 1815 में अंग्रेज यहां आए तो जो हमारा पहला बड़ा महत्वपूर्ण कमिश्नर था जॉर्ज विलियम ट्रेल, जिसने 1815-16 से लेकर 1836 तक शासन किया, एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को सुव्यवस्थित किया, उसने कहते हैं कि 1820 में इस जगह को विजिट किया था और इसको सभी लोग मानते हैं और प्री मिटिनरी रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र है। जब उसको पता चला कि ये बहुत ही पवित्र स्थान है और लोग इसको बहुत महत्व देते हैं, तो उसने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए और किसी अंग्रेज को नहीं बताना चाहा कि यहाँ पर एक ऐसी लेक है। लेकिन 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हिमालय में खोजी यात्राओं का दौर था, उसे जानने समझने की कोशिशों का दौर था, सो नैनीताल कब तक बाहर की दुनिया से ज्यादा छुपा रहता? पर्सी बैरन जी, जिसका रोजा डिस्टिलरी थी यहाँ शाहजहानपुर में, वो अपने मित्रों के साथ हिमालय की बड़ी यात्राएं उसने की, पिलग्रिम्स वंडरिंग इन द हिमालय, जो 1844 में छपी, उसको पढ़ें तो पता चलेगा कि कितना घुमा था उस व्यक्ति ने। और वही खोजते खोजते 1839 में फेल हो गया, 1841 में वो यहाँ आ गया। और देखिए वो स्नोवी दिख रहा है, स्नोवी के बगल में वो चुंगी है हमारी बिरला की, वहाँ से वो एंट्री किया और पहली बार उसने नीचे झील को देखा। उसका वर्णन बहुत ही पोएटिक है, वो लिखता है कि नीचे एक झील पसरी हुई है और झील के किनारों से जंगल शुरू हो रहा है और दोनों तरफ की पहाड़ियाँ हैं। उस दौर का नैनीताल ऊपर आसमान को निहारती किसी आंख सी झील के तीन ओर उठी पहाड़ियों पर एक खूबसूरत जंगल की शक्ल में फैला हुआ था। चीना पीक या नैना पीक, अयारपाटा, देवपाटा, अल्मा पीक और शेर का डांडा जैसे शिखर, 2,500-2,500 मीटर ऊंचे ये सभी शिखर मिलकर जैसे नीचे झील को अपनी अंजुली में संभाले हुए हों। तो एक ज़बरदस्त वन्यता, एक वाइल्डरनेस रही होगी, जो जंगलों का, चट्टानों का, पानी का, और जो विविधता है, यानी कि ख़ास तरीके से पानी की भी विविधता है ना, कि एक बहुत 2-3 महीने बर्फ़ जमी रहती होगी, उसके बाद चारों तरफ से छोटे छोटे गधेरे जो हैं लेक में जाते हैं। खुद पिलग्रिम का वर्णन है कि एक नदी सकुचाती शर्माती हुई लेक में आती है और एक नदी लेक से शुरू होती है, वो वर्णन बहुत मौजूद रहा होगा। तो पानी के भी बहुत तरीके के फॉर्म दिखते हैं, बहुत सारे स्प्रिंग थे। एक हमारा फोकलोरी है, नैनीताल 32 धारा पानी को तोड़ो को करके, तो इतने धारे यहाँ रहे होंगे, तो वो सब इस लेक को कंट्रीब्यूट करते थे। और चारों तरफ जो वनस्पतियाँ थी, जो विविधता थी, उस वनस्पतिक विविधता से ही यहाँ की, जिसको फौनिक एक तरीके से विविधता है, जो जैविक विविधता है, या जिसको जूलॉजिकल विविधता कह सकते हैं, बर्ड्स की विविधता कह सकते हैं, बटरफ्लाइज की विविधता कर सकते हैं, वो भी इन वनस्पतियों के साथ जुड़ी होगी। एक ज़बरदस्त तरीके का मिक्स फॉरेस्ट हमको यहाँ दिखाई देता है। नैनीताल मेरे हिसाब से एक स्पेशल शहर है, जहाँ पर हाउसेज या कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं
वो एमिस्ट ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट के रिमेन्स में हुए हैं, मतलब जो पुराने ट्रीज हैं, जो एक नेचुरल फॉरेस्ट था वो है, वहाँ प्लांटेशन नहीं हुए थे। ये बात बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि अमेरिका शायद दुनिया में एक ही शहर होगा जो इतने सालों तक ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट के रिमेन्स को मेंटेन करता है। सम ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट ओक्स अगर आप देखना चाहें तो नैनीताल में देख सकते हैं। अरे चौमासी को बाना। नैनीताल जैसी इसी वन्यता से उपजी होंगी ऐसी कई लोक धुन, ऐसे कई लोकगीत जो सदियों से लोगों का जंगलों से रिश्ता बताते आए। हमारे साथ चलते चलते इतिहासकार और हिमालयविद प्रोफेसर शेखर पाठक भी बरबस ऐसी धुनों को गुनगुनाते दिखे। माना नीथा मीनो। दरअसल जंगल का तिलिस्मी कुछ ऐसा होता है कि वो आपके भीतर की भावनाओं को अक्सर संगीत की शक्ल में उभार देता है। भैसी नौ छ रुमरी ठुमरी। मेरे ठीक पीछे ये किलबरी का फॉरेस्ट है, किलबरी का जंगल है जो नैनीताल से लगभग लगा हुआ है। इसके ठीक पीछे नैनीताल है। वन्य जीवन के लिहाज से आप देखें, पशुओं पक्षियों के और पेड़ पौधों के हिसाब से आप देखें, तो यहाँ जो डाइवर्सिटी है, यहाँ जो विविधता है, वो आसपास के एक बड़े इलाके में नहीं है। हम लोग नेचर कंजर्वेशन की बात करते हैं, नेचर को टूरिज्म से जोड़ने की बात करते हैं, काफ़ी कहते हैं, पर कभी हमने नैनीताल वालों ने कभी कहा कि हमारे पास इस तरह के ओक्स हैं, हमारे इस तरह का साइप्रस फॉरेस्ट है जो 40 हेक्टेयर के ऊपर का जो चिनापी का फॉरेस्ट है साइप्रस का, पूरे हिमालय में 4-6 ऐसे होंगे, पर कभी भी हमने नहीं बताया, न किसी ने बाहर वाले ने पूछा कि ये क्या है। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो नेचर टूरिज्म कहते रहे पर देयर इज नो सेंसिटिविटी। नैनीताल एक शहर है, सिटी है, जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज बर्ड्स की होती हैं, बर्ड सेंटर, एक बर्ड सेंटर भी है। ये नैनीताल के नज़दीक ये किलबरी फॉरेस्ट है और काफ़ी रिच फॉरेस्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है बड़ी रिच है और कई तरह के यहाँ पे पेड़ आपको मिलेंगे, खासकर ओक का फॉरेस्ट है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, जिसमें खासकर हिमालयन ब्लैक बेयर यहाँ पे है, उसके अलावा सराऊ है जो गोट एंटीलोप है, बहुत रेयर एनिमल है, और इसके अलावा सांभर यहाँ पे पाए जाते हैं और बार्किंग डियर यहाँ पे हैं, और इसके अलावा कई छोटे जीव हैं और बर्ड्स में यहाँ पे चीर फेजेंट आपने सुना होगा काफ़ी, ये भी इंडेंजर्ड लिस्ट में है, वो भी यहाँ पाया जाता है। इस तरह के यहाँ पर 200-250 स्पीसी बर्ड्स की हैं और कई बड़ी रेयर हैं, कई विंटर माइग्रेटरी हैं, खासकर ब्लैक एंड येलो ग्रॉसबीक है, स्पेक्टिकल फिंच है। अगर नैनीताल उसके आसपास का पोर्शन आप देखें, चिनापी किलबरी, तो एक ऐसी एक स्पेशल जगह है यहाँ, जहाँ पर वेस्टर्न हिमालय के चार ओक्स एक जगह मिलते हैं। वो ऊपर सबसे जो हाईएस्ट टिम्बर लाइन दिख जाता है क्रोकस सेमिकाफोलिया, और जो लोएस्ट ओक है बांज ओक, और दो बीच के ओक्स और हैं, जो चारों ओक्स एक जगह मिलते हैं। मेरे ख्याल से शायद कोई और जगह तो नहीं है जो मैं जानता हूँ। लेकिन किलबरी फॉरेस्ट जैसी वन्यता अब नैनीताल के आसपास के जंगलों में खत्म होती जा रही है। बढ़ते इंसानी दखल और प्रदूषण का पहला शिकार हुई है यहाँ की जैव विविधता। जंगलों में पेड़ पौधे पशु पक्षी सब पर असर पड़ा है। पानी की गारंटी माने जाने वाले बांज यानी ओक के जंगलों में भी अब वो नमी नहीं रही, और नीचे सिमटती हुई नैनी झील बता रही है कि ऊपर जंगल कितना सूख गया है। मैं इस वक्त नैनीताल के शेर का डांडा इलाके में हूँ। ये पश्चिमी ढाल है और झील की तरफ इसका मुंह है। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ बांज का एक जंगल है, काफ़ी पुराने यहाँ पर पेड़ हैं,
काफ़ी ऊंचे बांज के पेड़ हैं, लेकिन बांज के अब नए पेड़ यहाँ देखने में उतने नहीं आ रहे। दूसरी खास बात ये कि यहाँ पर नीचे कुछ साल पहले तक काफ़ी वेजिटेशन थी, काफ़ी वनस्पति थी अलग अलग तरह की, जो बांज के पूरे समाज के साथ होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये वनस्पति धीरे धीरे यहाँ से गायब हो गई है। ये बताता है कि कुछ ना कुछ यहाँ इस इकोसिस्टम के साथ गड़बड़ हुई है। क्योंकि जो बांज का जंगल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें सारी वनस्पतियाँ मिल करके, जिसमें आपकी लताएँ भी होंगी, जिसमें आपके साग भी होंगे, जिसमें आपके झाड़ियाँ भी होंगी और प्रजातियाँ भी होंगी, घास की कई प्रजातियाँ होंगी, रिंगाल होगी, तो सब मिला के इतना एक घना एक जंगल बनता था बांज का, जो एक प्राकृतिक वन होता है बांज का। उस वन को अगर हम देखेंगे तो उसके नीचे ह्यूमस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इनकी गिरी हुई पत्तियाँ। प्रकृति का एक मोटा सा नियम है कि जमीन से वो जो लेंगे वो जमीन को वापस करेंगे, पेड़ उस चीज़ को पत्तों के रूप में वापस करते हैं। बांज के जंगल के कारण वहाँ पर ह्यूमस इतना ज़्यादा हो जाता है, वो इतना एक स्पंज किस्म का होता है, इस जैसे स्पंज पानी को रोकता है, बांज का जंगल उसी तरह से पानी को अपने में रोक लेता है, बारिश के पानी को, और साल भर धीरे धीरे उसको छोड़ता है। अगर ये ह्यूमस जिस हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़मीन बिल्कुल ठोस ज़मीन दिख रही है, इसमें ह्यूमस है ही नहीं, जब पेड़ ही नहीं है तो ह्यूमस कहाँ से होगा, तो वो जो इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले साल नैनीताल की झील 18 फुट नीचे चली गई थी। हम जब ओक यानी बांज के जंगल की बात करते हैं तो हम एक विशेष वनस्पति की ही बात नहीं करते, हम विविध वनस्पतियों के एक पूरे समाज की बात करते हैं जो मिलकर आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे को सहारा देती हुई। ये यूनानी जो भी खांसी की दवाएं हैं उसमें गुलबनफ्सा जरूर पड़ा। बांज का ये जंगल सैकड़ों किस्म के पशु पक्षियों को बसेरा देता है, उन्हें पनपने का मौका देता है। यही नहीं, इस जंगल के नीचे पेड़ों की छांव तले उनके तनों पर एक सूक्ष्म जैव जगत भी पलता है। इन सब का बना रहना हमारी धड़कनों के चलते रहने का आश्वासन है। बांज का जंगल बहुत घना होता है और यहाँ पर एक ही जंगल में आपको बांज के साथ कई उसके साथ अयार, बुरांस, कौल और कई तरह के, जैसे कि ये किलमोड़ा है और घिंगारू है, हिसालू है, और बहुत तरह के आपको झाड़ियाँ और कई तरह के जड़ी बूटियाँ जिसको हम हर्ब्स कहते हैं, ये सब मिलता था। लेकिन हम पिछले साल से कुछ देख रहे हैं कि बांज के पेड़ में यहाँ पर कुछ जैविक दबाव होने के कारण और कुछ नैनीताल जैसे शहर में प्रदूषण बढ़ने के कारण कि कई प्रजातियां जैसे कि वनस्पतियों की, जैसे कि लाइकेन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तो उन सब का असर पड़ रहा है बांज के ग्रोथ पर। कई जगह अभी हम देखेंगे तो बांज के पेड़ उग रहे हैं, उनकी उम्र आपको मुश्किल से 6 इंच या 1 फुट दिखेगी, लेकिन उनकी उम्र करीब करीब 15-20-25 साल तक होगी, वो स्टंटेड हो गए हैं, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, और रीजेनरेशन जो है, जो पुनर्जनन था बांज का, वो पूरी तरह से रुक गया है, और ये एक बहुत खतरनाक सिग्नल है। ये बांज का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, उसका तना है, और बांज के जंगल में अगर आपने देखा हो कभी तो उसके तने जो हैं उस पर काफ़ी मॉस होती है, काफ़ी ज़्यादा नमी जिससे उसमें बनी रहती है, और बांज के जंगल में वैसे भी काफ़ी नमी होती है, इस तरह के लाइकेन्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखते हैं। लेकिन यहाँ नैनीताल के इस जंगल में ये देखने में आ रहा है, ख़ासतौर पर शेर का डांडा इलाके में, कि लाइकेन्स तो लगभग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं और मॉस भी अब उतनी नहीं रह गई क्योंकि जंगल में अब नमी उतनी बची नहीं है। आज जो नैनीताल है वो एक मिक्सचर है जो नेचुरल फॉरेस्ट बहुत पहले से चले, जो 400-500 साल ट्रीज हैं जिनको अभी मेंटेन कर रखा है, जो ग्रीन दिखाई पड़ता है, पर नीचे की तरफ अगर आप देखें तो सब कंक्रीट में कन्वर्ट हो चुका है। बढ़ते जन दबाव, अंधाधुंध पर्यटन, गाड़ियों के बढ़ते प्रदूषण और बेतहाशा निर्माण से नैनीताल की सांस फूलने लगी है। इसका एक एहसास करना है तो नैनीताल के फेफड़ों यानी आसपास के इन जंगलों के अंदर जाएं, आपको प्रदूषण का स्तर अपने आप दिखने लगेगा। इसका एक बायोमार्कर या बायो इंडिकेटर माने जाते हैं ये लाइकेन्स, जो इन जंगलों में अब देखने को बहुत ही कम मिल रहे हैं। अगर आप कभी जंगलों में गए हों तो आपको पेड़ों के तनों, टहनियों या चट्टानों पर उभरी ऐसी सलेटी, हरे और भूरे रंग की बनावट मिलेंगी,
जिन्हें लाइकेन्स कहते हैं। ये भी एक किस्म की सूक्ष्म वनस्पति हैं जो दरअसल एल्गी और फंगाई का एक सहजीवी रूप यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जो जंगल के स्वास्थ्य का और एक तरह से हमारे स्वास्थ्य का भी एक पैमाना माना जाता है। प्रदूषण का ये सूचक है, किसी स्थान पर अगर प्रदूषण ज्यादा होगा तो वहां लाइकेन नहीं होंगे। इतना ही नहीं, विदेशों में यह शोध कार्य हुआ है कि जिन जगहों पर, जिन स्थानों पर लंग कैंसर के पेशेंट्स ज्यादा थे, वहां लाइकेन बिल्कुल की उपस्थिति बिल्कुल ही नगण्य थी। तो इसको इस तरह से हमारे वातावरण के प्रदूषण मापन के तौर पर प्रयोग लाया जा सकता है इसका। लाइकेन जो धीरे धीरे नैनीताल के जंगलों से गायब हो रही है, और ये बता रही है कि किस तरह नैनीताल के आसपास का जंगल जो है वो अब प्रदूषण की चपेट में आता जा रहा है, उसको और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए हम यहाँ नैनीताल के करीब जोलीकोट में उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा के इस रिसर्च सेंटर पर आए। यहाँ इस पेड़ पर आप देख सकते हैं, ये हरे रंग की मॉस है और ये सफ़ेद रंग की आकृतियाँ जो हैं ये लाइकेन है। और ये बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, ये आपकी बिरयानी में पड़ता है, ये कन्नौज के इत्र में पड़ता है, इससे पेंट बनते हैं, डाइज बनती है, तरह तरह का इस्तेमाल इसका है। इस पेड़ पर भी आप देख सकते हैं ये सलेटी रंग की आकृति, ये लाइकेन की है। और अलग अलग वनों में अलग अलग हिसाब से इसका रंग गहरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गहरा हरा भी हो सकता है। इस पेड़ पर आप देखेंगे छोटा सा पेड़ है लेकिन इसमें तीन तरह के लाइकेन आपको दिख रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात को बताता है कि यहाँ पर आबोहवा थोड़ी बेहतर होगी, इसलिए ये लाइकेन यहाँ पर पनप पा रहा है। लाइकेन दरअसल मार्कर है आपके जंगल की आबोहवा का। अगर लाइकेन है जंगल में तो इसका मतलब है कि जंगल की आबोहवा साफ है अभी, और अगर वो गायब हो रहा है, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होता है, बड़ा सुकुमार होता है, अगर ये गायब हो रहा है जंगल से, इसका मतलब है आपका जंगल खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी आबोहवा ख़राब हो रही है, वहाँ की वनस्पतियाँ स्ट्रेस में हैं, और अगर वो स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो ये तनाव अंत में हम पर ही असर डालेगा। किसी वन की नमी में होने वाले परिवर्तन को भी ये पौधे आसानी से दिखा सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे जो हमारे वन हैं उन, चाहे वो नैनीताल के आसपास के क्षेत्र हों या उत्तराखंड के बहुत से ऐसे क्षेत्र जहां पर नमी कम हुई है, उसको लाइकेन ने इंडिकेट किया है, अब वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। ये सूचक है कि कोई वन कैसे कम हो रहा है, उसमें नमी कैसे कम हो रही है, इसको यह उसका यह इंडिकेटर है, सूचक है। हम जब जंगलों की बात करते हैं तो ऐसे सूक्ष्म पौधे अक्सर हमारी नज़रों से गायब ही रहते हैं, जबकि ये भी हमारी जैव विविधता का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने बीते कुछ सालों में जंगलों की जैव विविधता और उसके बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए कई नायाब प्रयोग किए हैं। उन्हीं में से एक है मुंशियारी का ये लाइकेन गार्डन, जहां लाइकेन्स की 80 से ज्यादा प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिनमें कई तो बहुत ही दुर्लभ हैं। लाइकेन एक विलक्षण पौधा है, जो एक पौधा न होकर के दो पौधों का समूह है, जिसमें एक कवक और दूसरा शैवाल मिलकर इसकी संरचना बनाते हैं। युग है कि लाइकेन किसी वन के बनने की प्रथम कड़ी है, इनको पाइनियर सक्सेशन भी कहते हैं। किसी बैरन जगह पर, किसी पत्थर की चट्टान के ऊपर सबसे पहले जो पौधा आएगा वो लाइकेन ही है, और वह दूसरे पौधों को उगने में सहायक होता है। जहां कुछ नहीं होता वहां लाइकेन्स होते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो या बर्फ से ढका टुंड्रा प्रदेश। ये जंगली जानवरों का भोजन भी होते हैं, चाहे वो कस्तूरी मृग हो या रेंडियर। ये सूक्ष्म पौधे जंगलों के अस्तित्व के लिए तो अहम हैं ही, हमारे लिए सीधे तौर पर भी इनकी बड़ी उपयोगिता है। इनमें कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों की दवा बनाने के काम आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जंगलों में इनका संरक्षण किए जाने के बजाय व्यावसायिक फायदे के लिए इन्हें नोचा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हिमालय के जंगलों से हर साल 10,000 टन लाइकेन जमा किया जा रहा है, जबकि ये बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। ये भी एक वजह है कि अब ये जंगलों में कम दिखता है। ऐसे में मुंशियारी के इस लाइकेन गार्डन जैसे प्रयोग आम लोगों को इनके प्रति जागरूक और संवेदनशील करने में अहम हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ लाइकेन ही नहीं,
जंगलों में बड़े पेड़ पौधों और चट्टानों के बीच कई और सूक्ष्म पौधे भी हमसे नजरअंदाज रहते हैं। इनमें से एक है ये मॉस, जो बड़े काम की चीज है और जिसे अक्सर हम अपने पैरों से कुचलते आगे बढ़ जाते हैं। जंगलों में ये आपको नमी वाले पेड़ों के तनों, टहनियों या चट्टानों पर लगी मिल जाएंगी। मॉस हमारे लिए क्यों है खास, ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने नैनीताल के करीब खुरपा ताल में यहाँ एक खास मॉस गार्डन विकसित किया है, जहाँ मॉस की तमाम प्रजातियों को, स्पीशीज़ को संरक्षित किया जा रहा है और इसके अलावा आम लोगों, छात्रों, जानकारों तक वो तमाम जानकारियाँ पहुँचाने की यहाँ कोशिश की गई है, जो ये बताती हैं कि हमारे इकोसिस्टम में मॉस का कितना खास रोल है। मॉस वनस्पतियों के ब्रायोफाइटा वर्ग में आते हैं। इन्हें भविष्य की दवाइयां भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर भी बेतहाशा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंसेक्टिसाइडल होते हैं। इनकी इन खूबियों के कारण ही सदियों से हमारे पूर्वज भी इनका इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के जीवन और कई तरह की दवाओं के लिए करते आए हैं। मैं पुनः बताता हूँ, ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टोर हाउस हैं ये पौधे, जो दुनिया में किसी दूसरे पौधे में नहीं होते। ऐसी पॉलीक्लोहाइड्री इनमें है जो किसी दूसरे पौधे में नहीं हुई। ये पौधे इतने कैपेबल हैं कि वातावरण की नमी के अनुसार अपने सेल के अंदर के वाटर कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पॉलीक्लोहाइड्रिक प्लांट्स। और ये सरफेस ड्वेलिंग प्लांट हैं, ये अंडरलाइंग सबस्ट्रेट को रीड कर लेते हैं। ये एसिडिक सॉइल है, ये बेसिक सॉइल है, ये कॉपर वाली सॉइल है, ये आयरन वाली है, ये लेड है, ये जिंक है। हम मॉस को देख कर रॉक बता सकते हैं और रॉक को देख करके हम मॉस बता सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर ये मॉस आना चाहिए। यही वजह है कि दुनिया के कई देश मॉस की तमाम प्रजातियों को लेकर बहुत सजग हैं। जापान में तो इन्हें खास धरोहर माना जाता है और खूबसूरती का एक अहम हिस्सा भी। वहां तो मॉस के इस्तेमाल से ऐसे आभूषण भी तैयार किए जाते हैं जिन्हें लोग बड़ी शान से पहनते हैं। नैनीताल के मॉस गार्डन में हमें इनके कुछ उदाहरण देखने को मिले। जापान के मशहूर मॉस गार्डन की तर्ज पर भारत में ये पहला मॉस गार्डन तैयार किया गया है, जो इन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की अहमियत बताता है। वन विभाग की अनुसंधान शाखा के इस खास मॉस गार्डन में एक और खास बात जो हमें देखने को मिली वो ये कि मॉस का इस्तेमाल कैसे पहले विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के उपचार में किया गया। जैसे हमने आपको बताया एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता ही है मॉस, उसके अलावा कॉटन से कहीं बेहतर होती है उसकी क्वालिटी दवाओं को किसी घाव पर ठीक से पहुंचाने में या लगाने में। ज़्यादा ठंडा होता है, कॉटन के मुकाबले ज़्यादा सॉफ्ट होता है और कॉटन से 3 गुना ज़्यादा ये लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी अवशोषित कर सकता है। तो इसलिए ये दवाओं में भी और घायलों के उपचार में भी काफ़ी इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। मैं ये बात को बड़े डंके की चोट में कहता हूँ कि जैव विविधता संरक्षण का सिद्धांत तभी प्रतिपादित होगा, तभी साकार होगा, जब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ऑर्गेनिज्म कंजर्व हो, उसकी यूटिलिटी को समझा जाए। फिर मॉस वर्ग के पौधे तो जस्ट टू इनका नंबर एंजियोस्पर्म, जो डोमिनेंट अर्थ में जो डोमिनेट कर, उनके बाद नेक्स्ट इनका नंबर है अप्रॉक्सीमेटली 26,000 स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट्स, पर्टिकुलरली मॉसेस जिसमें डोमिनेट करते हैं वो नोन है। ये प्रकृति प्रदत्त पौधे हैं, इसको नेचर ने बनाया है और जब नेचर कोई चीज़ को देता है तो उसका रोल होता है, उसके माने होते हैं। ये है मार्केंशिया की स्पीसीज है, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा। इस पे आप देखेंगे कि कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे नीति नियंता ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को कोई खास तवज्जो देते ही नहीं। उनकी नजरों में बड़े बड़े पेड़ ही जंगल बनाते हैं। जानकार इस तरह की सोच पर सवाल उठाते हैं, ये मॉस क्या है और इसका क्या फायदा है, इसको संरक्षण करने का महत्व क्या है। मैं इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ कि लोगों का कहना है कि ये छोटे छोटे पौधे हैं, लोगों का कहना नहीं है बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है बड़े बड़ी जगहों पर बैठे हैं, बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं,
उनका ये मानना है कि ये छोटे पौधे हैं, इनको इनकी ज़्यादा कोई महत्ता नहीं है, अरे ये ऐसे ही हैं, इनको अगर आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी कहीं भेजेंगे तो ब्रायोफाइटा और मॉस से संबंधित अगर प्रोजेक्ट होगा तो उसको बड़े बड़े लोग एक किनारे कर देते हैं। लेकिन बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण की। नीति नियंताओं की ही बात क्या करें, एक आम इंसान के तौर पर हम ही हरियाली को लेकर आखिर कितने संवेदनशील रह गए हैं? क्या हम कभी सोचते हैं कि आखिरी पौधा हमने कब और कहां देखा, जबकि हमें शायद ये याद रहता है कि आखिरी जानवर हमने कौन सा देखा था? अपने आसपास की वनस्पति को नजरअंदाज करने की इसी प्रवृत्ति को अमेरिका के दो वनस्पति वैज्ञानिकों एलिजाबेथ शुजलर और जेम्स वॉन्डरसी ने प्लांट ब्लाइंडनेस नाम दिया है। प्लांट ब्लाइंडनेस, इस टर्म का इस्तेमाल दो वनस्पति वैज्ञानिकों ने किया ये बताने के लिए कि आमतौर पर हम अपने आसपास की वनस्पतियों, पेड़ पौधों, इस जैव जगत को लेकर किस तरह से लापरवाह रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं या जानबूझकर अनभिज्ञता जताते हैं, अपनी आँखें बंद रखते हैं। इन्हीं बंद आँखों को खोलने के लिए उत्तराखंड वन विभाग की वन अनुसंधान शाखा ने हल्द्वानी के अपने सेंटर पर एक नायाब प्रयोग किया है और अपने कई और रिसर्च सेंटर्स में कई नए प्रयोग इस वक्त कर रहा है। हल्द्वानी में शुरू किया गया ये बायोडायवर्सिटी पार्क पेड़ पौधों या अन्य सूक्ष्म वनस्पतियों को समझने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए किसी एनसाइक्लोपीडिया से कम नहीं। यहाँ सिर्फ उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों के ही नहीं बल्कि देश भर की विविध प्रजातियों की वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है। उन्हें बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। इसमें 40 से ज्यादा सेक्शन हैं जो जंगल से लेकर रेगिस्तान तक में मिलने वाली जंगली वनस्पतियों, औषधीय महत्व के पेड़ पौधों से लेकर घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली वनस्पतियों की अहमियत को लेकर हमारी आंखें खोलती हैं। सब कुछ समझाया गया है लाइव, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। पूरे राज्य में जो हमने ये रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं अलग प्रजातियों के बारे में, चाहे वो आर्किड के हों या घास की प्रजातियों के हों या फर्न के हों या लाइकन की प्रजातियों के हों, तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये इन प्रजातियों के एक लाइव म्यूजियम की तरह काम करें, जहाँ पे जब लोग आएँ तो उनको ये पता चल सके कि इन प्रजातियों को, जिनको कि हम रोज़ देखते हैं लेकिन इनका महत्व तो हम उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, जैसे घास की प्रजातियाँ या काई की प्रजातियाँ हैं जिनको हम पैरों से रौंदते हुए चलते हैं, इनका हमारे जीवन को सस्टेन करने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अगर ये प्रजातियाँ ना रहें तो उससे हमारा जीवन कितनी बुरी तरह से प्रभावित होगा और हमारे अस्तित्व पे किस तरह के संकट आ सकते हैं, उनके बारे में हमने एक बताने का और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है इन रिसर्च सेंटर्स के थ्रू। यहाँ फर्न, मॉस और अन्य ब्रायोफाइट्स जैसी कई वनस्पतियां भी हैं जो डायनासोर के युग यानी जुरासिक काल से धरती पर बनी हुई हैं। पॉलिनेटर्स के तौर पर यहाँ कई मॉथ्स और तितलियों को दिखाया गया है जिनमें से कई अति दुर्लभ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैक्टस कितनी किस्म के और कितने सुंदर हो सकते हैं। कैक्टस की 61 प्रजातियाँ और सक्यूलेंट्स की 89 प्रजातियाँ यहाँ संरक्षित की गई हैं। यही नहीं, यहाँ सर्वधर्म वाटिका भी है जिसमें सभी धर्मों में पवित्र माने जाने वाली वनस्पतियों को लगाया गया है। रामायण वाटिका भी आप यहां देख सकते हैं जिसमें उन वनस्पतियों का जिक्र है जिनका जिक्र रामायण में है। एक मुखी, तीन मुखी, पांच मुखी रुद्राक्ष के पेड़ भी संरक्षित किए गए हैं। इस बायोडायवर्सिटी पार्क में आप ये भी जान सकते हैं कि मिट्टी कितनी तरह की हो सकती है और कितने तरह के काम आ सकती है।
देश में अपनी तरह के इस खास बायोडायवर्सिटी पार्क को ठीक से घूमने के लिए आपको कम से कम एक पूरा दिन चाहिए। इसे बेहतर बनाने के रास्ते में कभी पैसे की कमी आड़े ना आए, इसके लिए इसे एक सोसाइटी की शक्ल दी गई है जिसमें प्रकृति प्रेमी दान भी कर सकते हैं। और जितना कुछ इस पार्क में दिखाया गया है उसे उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भी संरक्षित करने की कोशिश हो रही है। जैसे मंडल और जौलजीवी में अपनी खूबसूरती से सबका दिल छू लेने वाले ऑर्किड्स के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अकेले उत्तराखंड में ऑर्किड्स की 250 से ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। लाल कुआं में 25 प्रजाति के बांस और हल्द्वानी में 23 किस्म के बांस संरक्षित किए जा रहे हैं। लाल कुआं में ही 3 हेक्टेयर इलाके में फाइकस की 104 प्रजातियां लगाई गई हैं। हल्द्वानी की एक प्रोजेक्ट साइट में 22 जलीय प्रजातियों को आप देख सकते हैं। सीमांत माणा इलाके में औषधीय गुणों से भरपूर पवित्र माने जाने वाले ब्रह्म कमल के संरक्षण का काम चल रहा है। रानीखेत में चीड़ की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, तो वहीं के कालिका रेंज और हल्द्वानी के बायोडायवर्सिटी पार्क में जापान की मियावाकी विधि से मिश्रित जंगल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मियावाकी विधि में देसी प्रजातियों के पौधों को कई स्तरों पर सघन तरीके से एक साथ लगाया जाता है। किसी भी मोनोकल्चर के बिल्कुल उलट ये वन कुदरती तरीके से तेजी से बनते हैं और किसी भी दूसरे जंगल के मुकाबले क्लाइमेट चेंज जैसे बदलावों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। ये मिट्टी से पोषक तत्व लेते भी हैं तो उसे पोषण देकर उर्वर भी बनाते हैं। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी एक समृद्ध जैव विविधता है जिसमें कई तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें कई बड़ी दुर्लभ वनस्पतियां हैं विभिन्न मानवीय वजहों से, जैसे कि आग लगना, खनन और जंगलों की अवैध कटाई, इन सारी वजहों से तथा कई सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऐसे थे जिसके चलते इस जैव विविधता में कमी आ रही थी। हमने मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया है। ये एक जापान की पद्धति है जिसमें उस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक प्रजातियों को ही एक कम अंतराल पे प्लांट किया जाता है और उनको प्लांट करने के पहले मिट्टी के जो पोषक तत्व तो होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी तरीके से उसको लेकर तैयारी की जाती है। तो इसके माध्यम से हमने दोबारा रिस्टोर करने का प्रयास किया है और इसमें हमको मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में काफ़ी सफलता मिली है उनके सर्वाइवल में और ग्रोथ दोनों में। वन अनुसंधान विभाग की रानीखेत की ही कालिका रेंज में पहुंचकर मुझे भी ये पता चला कि घास भी कितने किस्म की हो सकती है और कितने काम आ सकती है। घास कितनी साधारण सी चीज लगती है, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में इसकी कितनी प्रजातियां होंगी? हजारों, और अकेले भारत में 1200 से ज्यादा घास की प्रजातियां मौजूद हैं। वन अनुसंधान विभाग की द्वारसों शाखा में आकर हमने देखा कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली 181 किस्म की घास में से 70 से ज्यादा यहाँ पर लगाई गई हैं, संरक्षित की गई हैं। उम्मीद है ऐसी कोशिशें वनस्पतियों को सिर्फ घास फूस समझकर खारिज करने की हमारी समझ को कुछ बेहतर बनाएंगी, हमारी प्लांट ब्लाइंडनेस को खत्म कर पाएंगी। अपने सहयोगी हर्ष जोशी के साथ सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अवैध खनन, कौन सा राज्य इसका शिकार नहीं है, कौन सी सरकार इसे लेकर अपनी आंखें मूंदे हुए नहीं है, चाहे वो पहाड़ी राज्य हों, चाहे वो झारखंड जैसे खनिज प्रधान राज्य हों, मध्य प्रदेश जैसे बड़े जंगलों वाले राज्य हों, सब जगह अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। नदियां इसके शिकार हैं, पहाड़ इसके शिकार हैं,
और शिवराज सरकार में भी चाहे वो लाख दावे करे, अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। अब प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर आरोप है कि वन विभाग के कब्जे से वो अवैध खनन में शामिल गाड़ियों को छुड़ा कर ले गई। वहीं वनपाल जो हैं, फॉरेस्ट गार्ड, उन्होंने मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए थाने में आवेदन तो दिया था, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। अब सरकार के डर से पुलिस कहां केस दर्ज करती, ये हर जगह होता है। बड़गोंदा वन चौकी में एक जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरे उपकरण अवैध तरीके से मुरम के खनन के आरोप में जब्त करके रखे गए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने वन अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन आरोप लगा कि 11 जनवरी की रात पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और उनके समर्थकों ने चौकी में घुसकर जबरन जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली और ड्यूटी पर मौजूद गार्डों को धमकाया। माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और उनके कार्यकर्ता वो ये आए और जेसीबी उनको डरा धमका, हमारे जो कर्मचारी थे उनको डरा धमका के और जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली मैं ट्रैक्टर के यहां से निकाल कर ले गए। मंत्री का कहना है शिकायत गलत है, उनके समर्थक अपने खेत की मिट्टी से सड़क समतल कर रहे थे, वहीं कांग्रेस मामले में हमलावर है। मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहां अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीबी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। उषा ठाकुर जी ने जो ये कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। वो विधानसभा सदस्य पहले है, विधानसभा कानून बनाने वाली संस्था है, बहुत ही गरिमामय संस्था है, उनकी सदस्य है। और फिर वो उस क्षेत्र से सदस्य है जहां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। एक मंत्री रहते हुए अगर इन्हें कार्य किया तो मैं शिवराज सिंह चौहान से मांग करता हूं कि जब वो गुंडा बदमाशों को चैलेंज करते हैं ये कृत्य कौन सा है। इस मामले में वन विभाग के आवेदन के बावजूद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में मंत्री का इस्तीफा मांगा है। वन विभाग कह रहा है कि इस मामले की जांच अब PCCF स्तर के अधिकारी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोतवाल किसी मंत्री की जांच कर सकता है, वो भी तब जब इस मामले में प्रकरण तक दर्ज नहीं हुआ हो। इंदौर से हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।